Hello friend, today I'm not talking about Kubota MU5501. So, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर क्या कुछ फीचर्स मिलने वाला है. तो ये जो मॉडल अभी मेरे पास है ये Kubota का MU5501 जो मैं 3 महीने पहले इसको ख़रीदा था. तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ फीचर्स मिल सकते हैं और क्या कुछ है इसमें, और इसको मैं पूरा जो ओवरव्यू है मैं देने वाला हूँ. तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो ओवरव्यू. तो फास्ट इसका जो इंजन है उससे हम लोग शुरू करते हैं. तो फास्ट इसका जो बोनेट है इसको हमको ओपन करना होगा. तो चलिए फास्ट इसको ओपन कर लेता हूँ. तो ये ओपन हो चुका है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रंट में आपको देखने को मिल जाता है बैटरी, उसके साथ साथ यहाँ पे कूलिंग, और ये जो है इसका एयर क्लीनर. तो ये जो एयर क्लीनर है इसको आपको हर रोज़ आपको क्लीन करना होता है. इसको क्लीन करेंगे तो आपका जो ट्रैक्टर है ये आसान जो ऑयल सर्विस है वो अच्छा देता. और ये है इसका वेट, करीब 75 किलो है इसमें. और चलिए देखते हैं इसमें और क्या कुछ मिलता है. तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो इसका जो साइलेंसर है, यहाँ पे एक बड़ा सा टैंक है, और इधर एक देख सकते हो कैसा है इसका साइलेंसर. उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका स्टार्टर, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका इंजन कितना छोटा सा है. तो बाकी के तो उधर ही है. तो चलिए देखते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से ऑयल आता है, यहाँ पे रहता है ऑयल फिल्टर, और यह इसका मोबिल फिल्टर, और यहाँ पे ये जो 4 सिलेंडर इंजन है उसका प्रूफ. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 पॉइंट है इसमें, 4 इंजन से आया है इधर. और ये है डीजल टैंक जो फाइबर बॉडी का है, और बाकी के यहाँ पे इंजन आप देख सकते हो किस तरह से है इसका इंजन. और ये जो 2 पॉइंट है, ये जो 2 फ्रंट का जो टायर है उसको हम, ये जो टायर है ये पावर स्टीयरिंग है, इसलिए ये दोनों पॉइंट है. तो हम लोगों ने पहले देखा था कि हमको एक टायर में 1 सिलेंडर मिल जाता है टायर का, यहाँ पर देखो. बट यहाँ पे जो कोटा का है यहाँ पे 2 सिलेंडर आपको मिल जाते हैं. वहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो. और इससे क्या होता है आपका जो स्टीयरिंग है और भी आसानी से आप घुमा सकते हो. यहाँ पे आप देख लिया, और यहाँ पे पीछे की तरफ आपको जो टायर मिलता है ये 16.9 28. तो पीछे की तरफ आने के बाद मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा. तो यहाँ से आपका जो हाइड्रोलिक ट्रॉली है उसको उठाने के लिए, और ये जो है ये है आपका जो रोटर वेटर है उसको ले जाने के लिए. तो इसका जो पावर है ये 2100 kgs. और ये जो गियर आपको देने को मिलता है ये है PTO गियर. तो आप इधर इसको क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आपको जो इसका जो पावर मिलता है 520, और इधर आप प्रेस करेंगे तो आपको मिलेगा 725. तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है 725, यहाँ पर आप देख सकते हो. तो ये इसके साथ आपको मिल जाता है, और यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिल जाता है. और ये जो है यहाँ पे आपको इसका जो नंबर प्लेट होता है यहाँ पे देना पड़ता है, और ये जो लाइट है ये रात को आपका काम में आएगा नंबर प्लेट को देखने के लिए. तो चलिए हम लोग गाड़ी के ऊपर चलते हैं और देखते हैं उसका गियर और क्या कुछ सिस्टम है. तो फ्रेंड यहाँ पे जो इसका स्टेप है यहाँ पे एक ही दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको जो इसका हैंडल है दबा के आपको ऊपर की तरफ आना होता है, और यहाँ पे आपको एक सीट मिल जाता है, और इधर आपको मिलता है PTO गियर. इसको इधर ले आना पड़ता है. तो आपका जो PTO है अभी रनिंग में चला जाएगा. उसके साथ साथ यहाँ पे हाई लो प्लस जो बैक गियर होता है यहाँ पे आपको मिल जाता है.
और यहाँ पे आपको मिल जाता है 1, 2, 3, 4 गियर, और यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका जो पीछे की तरफ जो रोटर को तोड़ने के लिए हाइड्रोलिक है, उसको इससे क्लिक करने से आपका जो रोटर है उसको आप ऊपर की तरफ लेकर आएगा। और यहाँ पे देखे तो जब आप खेती में चलाएंगे तो इसको नीचे रखना पड़ेगा, और ये जो है इससे आपका जो खेती में आप कितना गड्ढा करना चाहते हो यहाँ से फिक्स करना होता है, तो सेम लेवल पे ये खेती में काम करेगा। तो अभी इसको ऐसा ही रहने देते हैं, चलिए देखते हैं बोर्ड की तरफ इसका। तो ये है इसका ऑयल मीटर, और ये है इसका जो स्पीड मीटर है जहाँ पे आपको कितना आरपीएम में आप आपका जो गड्डी है उसको ले जाना चाहते हो देखने के लिए। और ये जो है इसका कितना आवर आप आपका ट्रैक्टर को ऑन रखते हो, काम में लेते हो, वो लिखा हुआ रहता है। और ये है इसका जो हीट मीटर है ये, तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाता है स्पीड मीटर जो हाथ से आप काम चलाते हो, और यहाँ पे जो है पैर की, और ये जो इसका ब्रेक, तो दो ब्रेक है आपको पता ही है। और इधर है आपका जो क्लच, तो एक कुबेटा का जो सिस्टम है ये मुझे क्यों अच्छा लगा, जब आप और ट्रैक्टर में देखते हैं तो आपका जो प्रेस करना होता है तो यहाँ पे जोर से प्रेस करना पड़ता है कुछ इस तरह से, बट इसका एक सुविधा है कि आप इस तरह से प्रेस कर सकते हो इस तरफ से। ये आपका एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है, आप बैठ के आराम के साथ आप इसको प्रेस कर दो, बट और जो ट्रैक्टर है वहाँ पे आपको प्रेस कैसे करना पड़ता है, जब आप प्रेस करेंगे तो आपको कभी कभार तो आप सीट से उठ के प्रेस करना पड़ता है, पर ये इसकी सुविधा है आप बैठ के आराम के साथ आप प्रेस कर सकते हो। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑन हो चुका है, करीब 377 आवर ये ऑन है, और जो ऑयल है वो भी अभी आधा टैंक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो ये अभी स्टार्ट हो चुका है, तो इसका साउंड आप खुद से सुन सकते हो। अभी मैं 18 RPM पे रखा हूँ, आप इसका साउंड सुन सकते हो। चलिए आप 3 RPM पे ले जाते हैं। चलिए अब इसको मैं बंद करता हूँ। तो फ्रेंड जब अब इसको खेती में चलाते हो तो उतना साउंड नहीं आता है, क्योंकि मैंने बहुत सारा वीडियो अभी दिया हूँ वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो। दोस्तों इसका जो वीडियो था बस इतना ही है, क्योंकि इसके बारे में और थोड़ा बहुत मुझे पता है, जबकि यह है इसका स्टार्टर, और यहाँ से इसका जो चार्ज होता है इसका बैटरी को, और यहाँ पे ये जो एक है इससे मुझको किसी ने कहा था कि इसका जो साउंड है इससे लेस हो जाता है, कुछ इस तरह से फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आपको कहा था 2 सिलेंडर है सामने का टायर पे, और इसका जो पीछे का टायर है वो 16/9/28 है, और जो फ्रंट का है 7.5। मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो 7.5.60, बस इतना ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पावर स्ट्राइंग, YB वेट डिस्क, सैडल शेप, 12 क्लच, और इसका लुक भी आप देख सकते हो, मेरा फेवरेट ट्रैक्टर है ये। मेरे पास अभी एक जॉइंट डियर है, बट ये मेरा नहीं है, ये मेरा दोस्त का है, यहाँ पे ही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। बट मैंने भी जॉइंट डियर लेने गया था, बट जब मैंने सुना कि मेरा जो एरिया है यहाँ पे कुबेटा है, तो मैंने उस वक्त जॉइंट डियर को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे कुबेटा बहुत अच्छा लगता है। और इसका एक अच्छा सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है, ये है 4 वाल्व इंजन, क्योंकि जहाँ पे आपको 4 सिलेंडर है तो यहाँ पे आपको नॉर्मल ट्रैक्टर जो जॉन डियर है उसका 3 सिलेंडर इंजन होता है, तो ये हर एक सिलेंडर में 2 वाल्व रहता है, और इसका जो है हर एक सिलेंडर में 4 वाल्व रहता है।
इससे क्या हो जाता है, इंजन को वो आप ऑयल काम लेते हुए भी अच्छा खासी काम कर सकते हैं इसके द्वारा। और यहाँ पे और एक फीचर आपको मिल जाता है इसका, जो ट्रैक्टर है इसमें आपको वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलता है, इससे आपका जो ड्राइवर होता है वो स्मूथ के साथ चला सकता है। तो मेरा जो ड्राइवर है उसको मैंने पूछा था कि आपको इसको चला के कैसे लग रहा है, तो बोल रहे उसने बोला कि इतना अच्छा ट्रैक्टर मैंने पहले कभी चलाया नहीं हूँ, और इसमें आप बैठ के फ़ोन भी कर सकते हैं, क्लियर बात होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है इससे। तो फ्रेंड बस वीडियो इतना ही है, वीडियो देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह के वीडियो देखने के लिए। और ज़रूर मैं इसका एक वीडियो लेने वाला हूँ जहाँ पे इसका मैं वाइब्रेशन टेस्ट करने वाला हूँ।